हेलो दोस्तों, आज एक बहुत ही अहम बात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। वो ये है कि सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, ये सारी चीज़ें समाज में इसलिए बनाई गई थी कि दो अजनबी लोग आपस में कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन उनके बीच में कैसे बने, इसलिए लिया गया था कि एक आदमी दूसरे को देखे, उसे सलाम नमस्ते करे, बदले में अगला आदमी उसको जवाब दे और साथ में ये पूछे कि कैसे हो, खैरियत से हो, आपस में हाल चाल बने, फिर एक दूसरे को जानने का मौका मिले। जबकि माहौल आज ये हो गया है कि कोई अगर किसी से सलाम करता है, आज का माहौल ये हो गया है कलयुग का कि कोई किसी से अगर सलाम नमस्ते करता है तो वो उसको बिना देखे थोड़ा सा सर हिला के जवाब दे देता है, इसका गलत मतलब निकलता है। तो इससे बचें, एक दूसरे की इज्जत करें। दो इंसानों के बीच में इज्जत एहतराम ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये जानवरों में नहीं पाई जाती है। तो इससे बचें, एक दूसरे के सलाम का जवाब दें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के लिए हालचाल पूछें, सुख दुख में काम आए, लेकिन ख़ास तौर से सलाम नमस्ते ये बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ होना चाहिए और उसका जवाब भी बड़ी इज्जत के साथ देना चाहिए।